हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। ब्लड प्रेशर होता क्या है? अपने शरीर में ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड जो आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर या फोर्स लगाता है उस फोर्स को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। दो तरह के ब्लड प्रेशर अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जब हार्ट पंपिंग करता है और वो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करवाता है तो उस टाइम पे आर्टरी में जो मैक्सिमम प्रेशर रहता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा रहता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है और हार्ट में ब्लड फ्लो होता है यानी हार्ट में फीलिंग होती है उस टाइम पे जो मिनिमम प्रेशर रहता है ब्लड वेसल्स में उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए तीन तरह की डिवाइसेज अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर, दूसरी रहती है एनीरोइड मैनोमीटर और तीसरी रहती है ऑटोमेटेड डिजिटल डिवाइस। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में। तो मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर है, ये सबसे एक्यूरेट बताती है, गोल्ड स्टैंडर्ड है बीपी मेजर करने के लिए और जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके क्लिनिक में मोस्टली ये ही डिवाइस यूज़ होती है। इस डिवाइस में एक मरकरी कॉलम होता है, एक ट्यूबिंग होती है और एक प्रेशर कफ रहता है और इस डिवाइस में आपको स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ती है। ये डिवाइस सबसे एक्यूरेट ब्लड प्रेशर बताती है, लेकिन इसमें मरकरी रहता है जो कि टॉक्सिक नेचर का रहता है और उसमें एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी हो सकती है यदि वो गलती से अपना जो डिवाइस है वो फॉल डाउन हो जाता है, मरकरी कॉलम है टूट जाता है और मरकरी स्पेल आउट हो जाता है। इसलिए कई कंट्रीज़ हैं जो आजकल इस डिवाइस को बैन भी कर रही हैं, बैन कर रही हैं या फिर इसका यूज कम कर रही हैं। दूसरी डिवाइस होती है एनीरोइड मैनोमीटर। एनीरोइड का मतलब है फ्लूड फ्री, यानी उसमें जो मरकरी लिक्विड रहता है वो वाला पार्ट उसमें से हटा देते हैं, उसमें मरकरी नीचे रहता है तो उसमें एक प्रेशर गोज रहता है, एक ट्यूब रहती है और कफ रहता है। तो ये एनीरोइड जो मैनोमीटर है उसकी रीडिंग भी लगभग मरकरी मैनोमीटर के इक्विवेलेंट ही रहती है और 1-2 mm का डिफरेंस रहता है। और इसमें इसका फ़ायदा यह है कि इसमें आपको मरकरी नहीं है तो वो मरकरी की टॉक्सिसिटी होने का भी डर नहीं रहता है। लेकिन जब भी आप इसे मेजर करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो इसकी निडल है वो शुरू में 0 पे होनी चाहिए जब भी इससे करेक्ट रीडिंग आती है। इस डेलिकेट रहती हैं, इनका टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन की भी ज़रूरत रहती है, नहीं तो रीडिंग सही नहीं आती है। डिवाइस रहती है जो ऑटोमेटेड डिजिटल डिवाइस रहती हैं वो बेस्ट हैं और आजकल आप देखते हैं कि हर क्लिनिक में वो ही यूज होती हैं। और वो डिवाइस जैसे आपको बीपी मॉनिटरिंग करनी है तो आप घर पे भी उसको इजीली यूज कर सकते हैं। लोगों के मन में ऐसा डर रहता है कि इस डिवाइस से जो बीपी मेजर करते हैं वो बहुत ज़्यादा आता है और वो करेक्ट नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप प्रॉपर मेथड यूज करेंगे तो इससे भी आपका बीपी है वो करेक्ट आएगा और हो सकता है कि 5 से लेके 8 पॉइंट का मैक्सिमम डिफरेंस इसमें आ सकता है। लेकिन इस डिवाइस से जब भी आप मेजर करें तो आप कम से कम 2 रीडिंग लें और दोनों रीडिंग के बीच में 1 मिनट का गैप रखें और वो दोनों रीडिंग आपकी लगभग यदि सिमिलर आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो आप उसको फिर मान सकते हैं कि वो आपका करेक्ट बीपी है। इस डिवाइस में कोई मरकरी नहीं रहती है, आपको इसमें कोई स्टेथोस्कोप नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्रेशर कप बांध देना है हाथ पे और बटन प्रेस करना है, फिर ये आपकी आर्टरी की पल्सेशन को सेंस करती है और बीपी का मेजरमेंट करती है। इसके साथ में इसका ये फायदा ये है कि आपकी पल्स रेट भी बता देती है कि आपका बीपी इतना है, आपकी पल्स इतनी चल रही है। इस तरह बीपी को मेजर करने के लिए आपके पास 3 डिवाइस हैं। तो जो मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर है वो मोस्टली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है और जो डिजिटल मैनोमीटर है वो आपके जैसे होम पे आपको बीपी मॉनिटरिंग करना है उसके लिए अच्छा है क्योंकि वो एकदम ईजी है और कन्वीनियंट है यूज करने के लिए। अब बीपी आपको मॉनिटरिंग करना और उसको चेक करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यदि आपका सिस्टोलिक बीपी 20 पॉइंट और डायस्टोलिक बीपी 10 पॉइंट नॉर्मल से ज़्यादा है तो आप में हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की रिस्क डबल हो जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम आप अपना बीपी चेकअप करें और उसको मेंटेन रखें। थैंक्स।